दिन हम लोग जो टेस्ट सीरीज देखेंगे, यह सिविल जॉब्स नामक जो कोचिंग संस्था है मध्य प्रदेश इंदौर की, उसके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट सीरीज को या एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जेनिथ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया विश्व का पहला रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब उसका नाम क्या है? तो आप चारों ऑप्शन देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है लेजी बॉस। दूसरा देखते हैं, रानी दुर्गावती का संघ किस क्षेत्र में था? तो इनका जो संघ था वो गढ़ मंडला क्षेत्र में था। तीसरा है, मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत ये आती है? तो यह जो है राजस्थानी हिंदी की भाषा के अंतर्गत आती है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सहयोग कजिन सैन्य अभ्यास जो है यह किन दो देशों के बीच हुआ है? तो यह जो सैन्य अभ्यास है यह आपका भारत और जापान के मध्य में हुआ है, भारत और जापान के मध्य। इसके अलावा जी मैक्स नामक युद्धाभ्यास भी होता है, और जो मालाबार युद्धाभ्यास होता है उसमें चार देश, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, शुरुआत में भारत और अमेरिका के मध्य में था, फिर आगे चल करके जो है जापान इसमें शामिल होता है, और फिर अभी जो 2020 में हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ। इसके अलावा जो भारत और सिंगापुर है इसके मध्य में आपका जो है सिम्बैक्स नाम का युद्धाभ्यास होता है, और एक इसी से मिलता जुलता नाम होता है सिट मैक्स। ये सिम्बैक्स है, और दूसरा है सिट मैक्स। सिट मैक्स में क्या है, भारत सिंगापुर के अलावा थाईलैंड भी पार्टिसिपेट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मध्य प्रदेश में खेल का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 इनाम उर रहमान को मिला हुआ किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला है, स्टेची आयोग का संबंध किससे है? तो चारों ऑप्शन देखिए, इसका संबंध जो है अकाल की समीक्षा से है। ब्रिटिश शासनकाल में कुल मिलाकर के आपका अकाल संबंधित तीन आयोग बनते हैं। पहला आपका जो था वो था पहला था स्टेची आयोग, जो कि 1880 में लॉर्ड लिटन के जो गवर्नर था उसके काल में बनता है। फिर दूसरा आपका बनता है 1897 में 1897 में लॉयल आयोग, और यह उस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड एलियन द्वितीय थे। तीसरा आपका बनता है 1900 में मैकडोनल आयोग, और यह इस समय जो वायसर गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो ये तीन आपके आयोग रहे हैं, स्टेची, लॉयल और मैकडोनल, जो कि अकाल की समीक्षा से संबंधित थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मध्य प्रदेश के शहीद लाल पदमधर सिंह का संबंध किस जिले से था? तो इनका संबंध जो है आपका रीवा जिले से रहा है। आगे चलते हैं, अगला है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सन 1857 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बीडी सावरकर हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भोपाल रियासत का विलय मध्य प्रदेश में किस वर्ष में किया गया? तो यह 1956 में किया गया, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1891 किनके प्रयास पर पारित हुआ था? तो यह केशवचंद सेन एवं बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजों के समय में मुख्यतः तीन जो है वो बाल विवाह संबंधित तीन अधिनियम आते हैं। एक आपका आता है नेटिव मैरिज एक्ट 1872, या सिविल मैरिज एक्ट भी उसे कहते हैं 1872 का। फिर दूसरा आता है सम्मति आयोग अधिनियम, या वही है आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम, वो 1892-93 का है। फिर एक तीसरा आता है वो है शारदा अधिनियम 1929 का, और ये जो है शारदा अधिनियम ये डॉक्टर हरविलास शारदा के से कह सकते हैं प्रयासों से यह अधिनियम आया था। आगे चलते हैं, 11वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का नेपोलियन जो है वो यशवंत राव होलकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला फ्यूज का तार जिस धातु से निर्मित होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है? तो उसकी क्वालिटी क्या होती है कि उसका गलनांक न्यून होता, मतलब कम टेम्परेचर पे ही वह फ्यूज का तार जो होता है वो टूट जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षता सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है, वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पैतृकता संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो DNA अंगुली छाप या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लौंग पौधे का कौन सा भाग होता है? तो लौंग जो होते हैं ये बंद कलियां होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से उत्पन्न होने वाली नहीं, मतलब वायरस से नहीं होती है? तो इसमें आप देखिए, पांडुरोग, पीलिया, पोलियो, एड्स, ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं, जबकि डिफ्थीरिया जो है ये आपका कह सकते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है।
अगला है महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट कहाँ स्थित है, तो यह जो है आपका जोग प्रपात सरस्वती नदी पे जो है बना हुआ है वहां पर स्थित है। एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन आपका हार्मोन होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो महिलाओं में सिक्रेट होता है। इसके अलावा महिलाओं से जो हार्मोन इस प्रकार के निकलते हैं उसमें आपका एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और रिलैक्सिन है, ठीक है, ये आपके इनके अंडाशय से निकलते हैं, जबकि पुरुष से जो है आपका टेस्टोस्टेरॉन निकलता है, ये भी आपका हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से नहीं है, तो देखिए आप इसमें से सही उत्तर क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए को कहते हैं, जबकि थायमिन जो है विटामिन B1 है, नियासिन जो है वो विटामिन B5 है और बायोटिन विटामिन B7 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक समयांतराल लेता है, मतलब उसे परिक्रमा करने में सबसे अधिक टाइम लगता है, तो देखिए जैसे सूर्य से दूर होता जाएगा ग्रह उसका जो घूमने का सूर्य की परिक्रमा करने का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा, तो सबसे नज़दीक आपका बुध है उससे पहले चक्कर लगा लेगा, तो आप इन सारे ऑप्शन देखिए, बृहस्पति सबसे दूर जाएगा तो बृहस्पति का समयांतराल सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो छत्तीसगढ़ में किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ग्रीनलैंड के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो पहले नंबर पे ग्रीनलैंड है, दूसरे पे कौन है, तो दूसरे पे न्यू गिनी है, तीसरे पे बोर्नियो है, चौथे पे कौन सा है, चौथे पे आपका मेडागास्कर है जो कि हिंद महासागर में है, और आपका बोर्नियो भी जो है आपका हिंद महासागर में ही है, ठीक है, और इसके अलावा पांचवें पे बाफिन है, बाफिन आपका कहाँ पे, कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, विश्व में मानव किस प्रजाति की संख्या अधिक है, तो जो कॉकेसाइड प्रजाति है, कॉकेसाइड प्रजाति इसकी संख्या सबसे अधिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के पश्चिम तट पर इसे तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसके तटीय क्षेत्र को जो है याद रखिएगा कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि जो केरल वाला तट है उसे मालाबार तट कहते हैं, और जो उत्तरी सरकार है ये जो उड़ीसा वाला तट है ये उसे उत्तरी सरकार कहते हैं, और सुंदरबन तट जो है आपका पश्चिम बंगाल वाला है। रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका कोबाल्ट 60 के अलावा फास्फोरस 32 का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है, तो पहले ऑप्शन देखिए आप, तो इसमें देखिए सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो बाहर है, भारत के बाहर है, ये कहां से निकलती है, तो तिब्बत के राकसताल नामक स्थान से ये निकलती है, जबकि रावी नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से, चिनाब ये आपका हिमाचल के ही बड़ा लाचा दर्रा से, और ब्यास ये भी रोहतांग दर्रा से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए जाना जाता है, तो ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है, और ये जादू घोड़ा है कहाँ पे, तो ये आपका झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, पर्यावरण में शामिल किया जाता है, तो देखिए आप चारों ऑप्शन देखिए इसके, तो भूमि जल वायु पौधे एवं जंतुओं के चारों ओर स्थित प्राकृतिक वातावरण, बिल्कुल सही है, सभी प्राकृतिक दशाओं का समग्र योग जो जैव मंडल के चारों ओर है, बिल्कुल सही है, सी एक ऐसी अंतः संबंधित प्राकृतिक क्रियाएं जो जैविकीय भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के बीच संतुलित रूप से कायम रहती है, बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों सही अर्थात उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी भूमध्य रेखा के सर्वाधिक पास स्थित है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको मैप देखना बहुत जरूरी होता है, परंतु इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सिंगापुर। डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, तो इसे IBM के द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, गद्दी कहाँ के निवासियों को कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश के निवासियों को गद्दी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, लाभ का पद परिभाषित किया गया था, संसद के द्वारा इसको परिभाषित किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा की बैठक कब समाप्त की जा सकती है, तो चार ऑप्शन देखिए, सत्रावसान के द्वारा भी की जा सकती है, विघटन के द्वारा भी की जा सकती है, स्थगन के द्वारा भी की जा सकती है, अर्थात उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं, मतलब डायरेक्ट राष्ट्रपति बने, तो नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं ये डायरेक्ट राष्ट्रपति ही बने थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये पहले भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के समय में, और राजेंद्र प्रसाद के बाद ये राष्ट्रपति बनते हैं, मतलब दूसरे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे व्यक्ति थे और नीलम संजीवा रेड्डी छठे व्यक्ति थे, जबकि आर वेंकट रमन आठवें थे, और वर्तमान में जो हैं वो जो वर्तमान में राम कोविंद जो हैं ये किस पे हैं, ये आपके 14वें नंबर पे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिकी केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर है, बेंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं,
राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव सर्वप्रथम संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो यह जो है आप लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, तो मतलब ये किस संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और महाभियोग का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 61 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल के बारे में है। चारों कथन पढ़िए। पहला है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, हो सकता है। लोकसभा में अपनी बात भाषण के माध्यम से रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। चौथा, लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता, बाकी तीनों काम कर सकता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका सी जो है 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा। और अटॉर्नी जनरल के बारे में या भारत के महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 के तहत में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्वशासन के मध्य राजस्व का बंटवारा कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है, राज्य वित्त आयोग, जिसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 243 आई या हिंदी में 243 झा, झगड़ा वाला झा के तहत किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का कौन सा भाग त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना का उल्लेख करता है? तो जो भाग 9 है ये करता है, भाग 9 में आपके पंचायतों के बारे में, जबकि भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है, भाग 11 में जो है आपका संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है, 11 में है, और 12 में आपका क्या है, वित्त संपत्ति संपदाएं और वाद है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? तो यहाँ पर स्त्री पुरुष अनुपात जो आप देखें 931 है 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि जो आपका 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें इनकी कितनी थी, 919 थी। 919 से अब कितना हो गया, 931 हो गया, ठीक है। जबकि आप नेशनल लेवल पे देखें, राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 943 है, 943 है, मतलब राष्ट्रीय स्तर से 12 कम है यहाँ पर। और यहाँ पे सर्वाधिक जो स्त्री पुरुष अनुपात है अर्थात सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो कहाँ पे है, बालाघाट जिले में ही 1021 है, 1021 महिलाएं हैं, जबकि सबसे कम कहाँ पे, भिंड में है 837। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में मालवा ताप परियोजना स्थापित की गई है? तो इसे खंडवा जिले में स्थापित किया गया है। स्लेट कहाँ पर बनती है, तो यह मंदसौर में बनती है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 यह है आपका, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मुंडिया जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? चारों कथन देखिए, ओंकारेश्वर नर्मदा के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। ओंकारेश्वर एक रेल स्टेशन है, ये भी सही है। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये भी सही है। डी, ओंकारेश्वर का तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पर स्थित है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, चंबल परियोजना संयुक्त परियोजना है, ये किन राज्यों के बीच की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? तो कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़ आते हैं, परंतु माधव जो है ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, किस राजस्व संभाग में केवल 3 जिले हैं? तो आपका जो नर्मदापुरम संभाग है इसमें केवल 3 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस जिले में पाया जाता है? तो यह सतना जिले में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि मध्य प्रदेश से नहीं है? तो कालिदास, मंडन मिश्र, भवभूत हैं, परंतु कल्लड़ यहाँ से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है? तो ये इंदौर जिले से इसका उद्गम स्थल है। 42 देखते हैं, मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए प्रख्यात है, तो वो है खजुराहो। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, तानसेन प्रारंभ में मध्य प्रदेश के किस वंश के राज्याश्रय में रहे थे? तो ये बघेल जो राजवंश था उसके राज्याश्रय में थे, फिर बाद में अकबर के नवरत्नों में शामिल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, जिप्सम या हरसौंठ किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपका रीवा जिले में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, और इसकी स्थापना कब होती है? 23 सितंबर 1993 को, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य, ये 3 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उतने तक ये अपने पद पर रहते हैं। अगला है 56 नंबर, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? 313 है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत किस जिले में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक कहाँ पे है, महिला साक्षरता भोपाल में, जबकि पुरुष साक्षरता के मामले में इंदौर नंबर 1 पर है, ठीक है। और यदि
टोटल देखें महिला पुरुष दोनों में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, वो है जबलपुर में, और सबसे कम कहाँ पे है, अलीराजपुर में। अलीराजपुर में यदि आप देखें सबसे कम है, चाहे महिला के रूप में देखें, चाहे पुरुष के रूप में, चाहे समग्र रूप से देखें, तो अलीराजपुर में सबसे कम है। आगे चलते हैं 58 नंबर, मेघनगर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है, तो ये मेघनगर जो है ये आपका झाबुआ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका संरक्षण जो है चंबल व सोन नदी में किया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, भोपाल रियासत जो है भारत संघ में कब शामिल की गई, तो यह जो है आपका 1 जून 1949 को शामिल की गई। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, महात्मा गांधी सम्मान मध्य प्रदेश के में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षांतर पर, वर्षों के अंतर पर होता है, तो 4 वर्षों के अंतर पर होता है। इसे 2020 में होना था, जो लेटेस्ट मतलब 32वें नंबर का जो टोक्यो ओलंपिक था, ठीक है नंबर याद रखिए, 32वें नंबर का टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, परंतु कोविड-19 की वजह से इसे एक्सटेंड किया गया, 2021 में किया गया है, अब 2021 में होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, किन खेलों का प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूर्य है, तो जो एशियाई खेल होते हैं इसका प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, निम्न में से बीटी कपास की एक प्रजाति किस्म कौन सी है, तो मेक 12 है, मेक 184 है, इसके अलावा आपका एक सेकेंड मेक 162, ये सारे के सारे हैं, अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित की गई है, तो इसे इंदौर में, कहाँ पे, इंदौर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, क्वीन वेरी रूल संबंधित है, तो क्वीन वेरी रूल जो है ये मुक्केबाजी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेलकूद संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये जो संस्थान है वो पटियाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, मध्य प्रदेश ने किस खेल को राज्य खेल घोषित किया है, तो मलखम को घोषित किया है। अगला है, एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल में खेलते हैं, तो आप देखिए खो खो में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डबल फॉल्ट प्रयुक्त होता है किस खेल में, तो ये टेनिस में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी, तो 4 ऑप्शन आप पढ़िए, मैं सही बताता हूँ आपको कौन सा है, इसमें डी ऑप्शन उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा आरोपित नहीं होता, तो सेवा कर, सर्विस टैक्स, शिक्षा कर, ये भी होता है, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, मार्ग कर जो होता है टोल टैक्स, ये आपका भारत सरकार के द्वारा आरोपित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो इसका प्रमुख प्रवर्तक जो है आपका IDBI है। कौन है? IDBI है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में निर्धनता के अनुमान की गणना की, सुरेश तेंदुलकर समिति ने की है। नरसिम्हन समिति आपका बैंक संबंधित रही है। वह रेल लाइन जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, तो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग इसे शामिल किया गया है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये मुख्य मेमोरी है, रैम, रीड रैंडम एसेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से किसने 1896 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि कलकत्ता में होता है, इसमें वंदे मातरम गाया था, तो इसमें वंदे मातरम जो है वो बंकिमचंद चटर्जी के द्वारा गाया गया था, और ये 12वें नंबर का कांग्रेस अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, जनगण मन जो है, ये तो वंदे मातरम, जनगण मन का जो है गान पहली बार कहाँ पर किया गया था, किस कांग्रेस अधिवेशन में, तो 26वां कांग्रेस अधिवेशन 1911 का, जो कि कलकत्ता में होता है, ये भी कलकत्ता में, वो भी कलकत्ता में। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के, टैगोर भी इसमें उपस्थित होते हैं और यहाँ पर गाया जाता है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण दर थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, विश्व एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसमें 2020 की थीम क्या थी, इसकी थीम थी एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। DRAM का लाभ क्या है, तो 4 ऑप्शन पढ़िए, इसका लाभ यह है कि यह SRAM से सस्ता है। ठीक है, DRAM का फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक रैंडम एसेस मेमोरी, जबकि SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एसेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, दिसंबर 2020 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान इसमें 10वां रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, लॉबी शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो लॉबी शब्दावली जो है ये कबड्डी से संबंधित, किससे, कबड्डी से। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है, ना ही हार्ड डिस्क, ना ही वीडियो, और रखता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, एक सेकेंड, ये आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य की योजना है, तो यह मध्य प्रदेश की योजना है। क्वेश्चन नंबर 84, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 85,
किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है इसे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है। 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से सिंधु सभ्यता से जुड़ी वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, तो ये वृषभ मुद्रा जो है मोहन जोदाड़ो से प्राप्त हुई है। विजयनगर की स्थापना दिल्ली किस सुल्तान के काल में हुई, तो ये इसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक के समय में होती है। अगला है TH 1001, जो चार बिट्स की श्रेणी है क्या कहलाती है, तो ये जो है आपकी निबल कहलाती है। अगला है T9, निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना, तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, 1923 में, ठीक है। जलियावाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है, कांग्रेस लीग समझौता 1916 में होता है, चौरी चौरा हिंसा जो है 22 में होता है, 1922। तो आप देखिए सबसे पहले आपका 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है बावन थड़ी परियोजना मध्य प्रदेश किस जिले से संबंधित है, तो ये आपका किससे संबंधित है, बालाघाट जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, ये है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है वो वरिष्ठ नागरिकों से है। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, MS Word और पेज मेकर दोनों का, तो ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो इन्हें जो इनका प्रमुख होता था उसे सार्थवाह कहा जाता था, ठीक है। अगला है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो औरक तरंगे जिसे इंफ्रारेड रेज कहते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अगला है जब कई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तब उसे क्या कहा जाता है, तो उसे लैन कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है मृतक घाटी जिसे डेथ वैली कहते हैं ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97, ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, मतलब कौन सी लाइन संदेश की विषय के बारे में बताती है, तो जो सब्जेक्ट वाली लाइन है वो बताती है। 98 देखते हैं, भारत के किस राज्य में थोरियम का सर्वाधिक भंडार है, तो केरल में सर्वाधिक भंडार है। 99 देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार के मीनू को ड्रॉप डाउन मीनू भी कहते हैं, तो जो पुल डाउन मीनू होता है इसे ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का वह घटक जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में व्याप्त है, तो आप देखें सबसे अधिक भूभाग पर क्या है आपका सामुद्रिक क्षेत्र, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।